अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमोड़ में होंगे। मैं अपना खास कदर सैल अफगान और हम लोग के लिए वीडियो है इंडियन आर्मी सिग्मा रूल। आर्मी सिग्मा रूल गुरी बोलते है। तुम दोनों का विक्ट्री सिग्नल क्या होगा? अच्छा सर, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर क्यों विकी? सर 0.5140 के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ सर। अच्छा, मुझे भगाना है सालों का यहाँ से। अच्छा, ये तो रियल स्टोरी ना वो है, क्या नाम था जो शेरशाह वाले को? शेरशाह कोई फिक्र ना कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा। हाँ, नहीं तो उसमें लिपट क्या हूँ। चाइनीज वाला सीन है तो बहुत। I was posted in a place called Punch, Sugar Sector 36 Sector बोलते हैं। सही तो गौरव वारिया है। बर्फ गिरी, हमारे फ्रेश के सप्लाईज ब्लॉक हो गए। हमने तीन दिन लगातार नमक और चावल खाया था। मैं अल्फा कंपनी कमांडर था, मैं अल्फा कंपनी के कुक से पूछता था बुला के, वो हम दोनों में एक जोक बन गया। फिर लंच में क्या है और डिनर में क्या है? तो कह रहा साहब लंच में नमक और चावल है और डिनर में चावल और नमक है। यही तो होता है ना सोल्जर की जो लाइफ जिंदगी। एंड इट्स परफेक्टली ऑल राइट। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 21 जंगें लड़ी और एक भी नहीं हारे। उन्होंने जंगें लड़ी ना जोरू के लिए, ना जर के लिए, ना जमीन के लिए, और उन्होंने जो भी जंग लड़ी धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए और इस हिंदुस्तान का वजूद रखने के लिए। हिंदुस्तान का वजूद रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार ने कई बलिदान दिए। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। बोले सोने हाल पाजी दा पाजी। तो वहाँ पे कुछ पिटाई की थी उन लोगों के बाद में मरहम पट्टी कराई की गई थी। सही, और बाकी उनके मरहम पट्टी भी खुद ही करा रहे थे।
और कुछ ऐसे सीन्स जो आर्मी वाले जो वैसे भी एक्शन मतलब हो जाते हैं आते हैं या कुछ एक्शन करते हैं कुछ काम करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे दिखते हैं आर्मी वाले अपने उस यूनिफॉर्म और उनकी जो वेपन वगैरह है तो वो सब कुछ दिखाए गए थे साथ में। वो बात तो है, बाकी वो मुझे उस बात पर बहुत हंसी आई, वो जो गौरव आर्या बोल रहा था कि हमारी सप्लाईज ब्लॉक हो गई थी बर्फ की वजह से 3 दिन के लिए, तो 3 दिन तक हम लोग ये नमक और चावल खा रहे थे। मैं कहता है मैंने किसी से पूछा कि उनका अपना कोई मतलब डिनर पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो है नमक और डिनर लंच पे जो है चावल और नमक है, डिनर पे जो है नमक और चावल, नमक और चावल तो वही चीज हो गया ना। तो इस तरह सोचो लोग यही लाइफ होती है, इसी तरह टफ लाइफ जो है मतलब गुजारते हैं, उनके जो ट्रेनिंग इसी तरह भी होती है। तो ये चावल और नमक से जो है इनको पूरी वो मिल जाती है पूरी तरह, मतलब ये लोग डटे रहे ना, तो इससे यही चलता है कि इंडियन आर्मी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। बिल्कुल, तो काफी अच्छी वीडियो थी, चाइनीज को दिखाया गया था बेचारों को सही से पकड़े, और इस तरह जो है कुछ शीर्षवाले सीन भी दिखाए हुए थे। अच्छा शीर्षवाले में हीरो का नाम वो तो एक रिलेटिव थे, मतलब बिल्कुल वो तो है, उसका रियल नाम क्या होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनके जो सिद्धार्थ मल्होत्रा, नहीं 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 वो जो रियल बंदा होता है जो रियल में आर्मी मैन होता है उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, मुझे अब उसको कहते हैं विकी बोलता है मेरे ख्याल में, हाँ कुछ ऐसा सीन था उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी काफी अच्छा हीरो जो है वो गुजरा है। तो काफी अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत पसंद आई, हमें आप सब लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आप मुझे अगर सब्सक्राइब चैनल वन रेक्टर साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, तो मिल रहे हैं स्वाभाविक है। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।